हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि जब हमें किसी भी फिगर में किसी भी बहुभुज की, हम बहुभुज वाला पहले सीख चुके हैं कि बहुभुज में जो तीन भुजाओं वाली आकृति होती है उसे हम त्रिभुज बोलते हैं, चार भुजाओं वाली को चतुर्भुज बोलते हैं, पांच वाली को पंचभुज बोलते हैं। तो आज हमने ये सीखना है कि किसी बहुभुज में कोणों का माप क्या है, वो कितना होता है और कैसे उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें पता है, हम लोग मतलब सुनते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जिसकी 9 भुजाएं हैं तो उसका कोणों का योग क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए जिसकी 50 भुजाएं हैं उसके कोणों का योग क्या होगा, क्योंकि जो भुजाएं हैं, आकृति कोई भी बनती है तो वो एन टर्म्स तक, मतलब एन उसकी साइड्स हो सकती हैं, जितनी मर्जी साइड्स हो सकती हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछले वाली वीडियोस में कि जो 9 भुज वाली है उसको 9 भुज बोलते हैं, जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसको 10 भुज बोलते हैं, ऐसे ही 11, 12, 13, 14, मतलब जितनी मर्जी साइड्स हो सकती हैं। तो उनका आप फॉर्मूला कैसे, मतलब उसका आप कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका कोण ज्ञात करना बहुत बहुत इजी है और 2 मिनट में आप खुद कर सकते हैं। कैसे? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगी। तो आप उससे चाहे तो जिसकी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो आपको 1000 भी दे रखी हो, 100 भी दे रखी हो, लैक्स में भी दे रखी हो, तब भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो जस्ट विद इन 2 मिनट्स। कैसे देखते हैं, जब हमें ज्ञात करना है कोणों का योग, कब? जब हमें साइड्स आर गिवन, जब हमें साइड नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन, 20 भुजाओं की संख्या दे रखी हो। जैसे हमारे पास 3 भुजाएं हैं, मैं यहां लिख रही हूं भुजाएं, उस भुजाओं से आकृति कौन सी बनेगी और उससे आपका एंगल क्या निकलेगा, कोण क्या निकलेगा, वो आप खुद अभी निकाल सकेंगे। देखिए कैसे, आकृति जिसकी 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं त्रिभुज। इसका कोण तो हम सबको पता है 180 डिग्री होता है, इजीली हम लोग ये थर्ड फोर्थ क्लासेस से पढ़ते चले आते हैं। उसके बाद जो 4 भुजाओं वाली आकृति होती है उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, ऐसे ही 5 भुजाओं वाली को पंचभुज, ये हम पहले कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो इसको सारा। अब बात करते हैं हम कि इनका एंगल किस तरह से फाइंड आउट करें। इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है आपको और इसमें अप्लाई करना है और उसके बाद आप 2 मिनट में चाहे हजारों की संख्या में भुजाएं दे रखी हों आपको, चाहे 100 में दे रखी हो, चाहे लाख में दे रखी हो, चाहे सिंपल 10 भुजाओं वाला हो, तो जिस तरह से भी मर्जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं हम 3 भुजाओं से, यहाँ से तो जिसको हमने निकालना है एन की जगह 3, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 3 में से 2 गया 1 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 180। हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं चतुर्भुज, वो भी आपको पता है, वो भी हम इससे प्रूव करके देखते हैं। चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 4 माइनस 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 180, 360 डिग्री, ये भी हमें पता था। अब हम बात करते हैं 5 वाली, तो 5 वाली में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 180, 3 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 540 डिग्री। कि जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, जो पंचभुज होती है, पेंटागन होता है, उसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 540 डिग्री का। उसके बाद 6 वाली, 6 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 180, 720 डिग्री। जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसका कोण कितने डिग्री का होता है, 720 डिग्री का। आपको करना क्या है, सिर्फ उसमें से जितनी भी भुजाएं हैं उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, और उसके बाद उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स सो सिंपल। अब आप चाहें तो इससे हम, मान लीजिए हमारे पास एन जो है दैट इज इक्वल टू 78 गिवन है, लेट अस, तो अब आपको क्या करना है, 78 में से 2 माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 180 करना है,
दोनों को माइनस करके 76 उसको 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तभी मैंने बोला कि आप कोई मर्जी साइड्स आपको दे रखी हूँ, हजारों में दे रखी हूँ, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ उन्हीं जो आपको भुजाओं की संख्या दे रखी है उसमें से दो माइनस करना है और 180 आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई मर्जी संख्या लीजिए भुजाओं की, भुजाओं में, और आप उसके अकॉर्डिंगली उसका एंगल जो है, उसका जो कोण है वो ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, n माइनस 2 इंटू 180, n क्या है, भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस करना है और उसके साथ बाद उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका एंगल निकल जाएगा। अब आप घर में बैठकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए इस लॉकडाउन के टाइम पे, और बाकी बच्चों के साथ भी इनको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।